हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भारत देश में बालाजी के दो मंदिर मशहूर हैं, एक आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर और दूसरा राजस्थान में स्थित सालासर बालाजी का मंदिर। भक्तों, जहां आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बालाजी के रूप में भगवान नारायण विराजमान हैं, तो वहीं राजस्थान के सालासर मंदिर में बालाजी के रूप में हनुमान जी महाराज प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, सालासर बालाजी के मंदिर की महिमा अपार है। संभवतः ये हनुमान जी की महिमा और चमत्कारों का ही परिणाम है कि साल दर साल लोगों की आस्था सालासर धाम और यहां विराजमान हनुमान जी के प्रति बढ़ती जा रही है। भक्तों, सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए वैसे तो पूरे साल श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सप्ताह में मंगलवार और शनिवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ होती है। इस मंदिर में लगभग 25 वर्षों से रामायण का अखंड पाठ चल रहा है। सालासर धाम में हर साल चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती और आश्विन पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन होता है। इन अवसरों पर लगभग 8 से 10 लाख हनुमान भक्तों और श्रद्धालुओं का महाकुंभ लगता है। इन दोनों मेलों के अलावा होली, दिवाली और विजयादशमी जैसे त्योहारों में श्रद्धालु बालाजी के दर्शन को यहां पहुंचते हैं। सालासर धाम में बालाजी के रूप में विराजमान पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को बड़ा चमत्कारी माना जाता है। वो अपने दर पर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर परिसर में उनके परम भक्त बाबा मोहनदास जी की समाधि है, जिसके दर्शन बिना सालासर बालाजी के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। कहा जाता है कि मोहनदास जी अपनी बड़ी बहन कान्ही की सेवा के लिए ही सालासर आए थे और आज भी अपनी बहन की सेवा के लिए यहां पर हैं। सालासर में बालाजी मंदिर निर्माण के बाद मोहनदास जी की बड़ी बहन कान्ही का देवलोक गमन हो गया। बड़ी बहन की मृत्यु के बाद मोहनदास जी ने भी जीवित समाधि ले ली। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि वो समाधि स्वरूप में आज भी सालासर धाम में विराजमान हैं। इसलिए मोहनदास जी की समाधि पर आज भी उनकी मंगल स्तुति का पाठ किया जाता है। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर परिसर में हनुमान जी की धुनी अर्थात धोक है। बालाजी के दर्शन करने के बाद भक्तगण पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ धुनी की भस्म अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मान्यता है कि धुनी की भस्म से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। भक्तों, अगर आप भी सालासर धाम की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और सालासर बालाजी अर्थात हनुमान जी के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।